महाराष्ट्र 7 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। तो मेरा घर है, लेकिन उसी घर से हसन साहिल के जो बेटे हैं वो दूसरे पार्टी में प्रवेश कर दिए। कहता है अरे सगे भाई बहन लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें क्या है? यहाँ पर मिल गए मुन्ना साहिल के इधर। अरे पापा 3 घंटा नहीं 1 घंटा हो गया। मैं 3 घंटे के पहले इधर सारे अमीनाबाद में खिचड़ा खा रहा था, उधर चाय पिया, वो भटका, उधर से निकला, फिर इधर आया। शेर क्या है? शेर बहुत चालू है शहर के अंदर। शेर मतलब शेर होता है, ये क्या है? अरे ऐसे कीचड़ में बहुत घूमते रहते हैं यार, उनके नाक में लगते यार तू। तो आपको डर था क्या मुन्ना साहिल भी पार्टी प्रवेश कर लेंगे दूसरी जगह, इसलिए आप आ गए? मैं डरता हूँ तो ऊपर वाले से, और मैं किसी से नहीं डरता। 11 लोग चले गए आपको छोड़ के, क्या वजह थी? क्या है ऊपर वाला दिखा देगा 11 लोगों के साथ कितने। जफर नुमानी कह रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अरे हाँ हाँ यार, आवाम मेरे साथ है, भरोसा आवाम पे है, आवाम चुनाव लड़े, और ये अब जनता चुनाव हाथ में ले लेगी। जैसे मोदी के खिलाफ देश में जनता ने चुनाव हाथ में ले लिया था, वैसा मुमरा का चुनाव जनता हाथ में ले लेगी। एमएलए को कितनी जरूरत पड़ती है नगर सेवकों की, आज नगर सेवक आपके कम हो गए? देखो नगर सेवक हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, लोकसभा का खासदार हो या आमदार हो, जनता ही सब कुछ है। इसलिए कहा जाता है ट्रैफिक लगी है, ये जनता जनार्दन, यानी जनता को भगवान मानते हैं। जब गणतंत्र की बात करते हैं ना तो जनता को खुदा मानते हैं कि खुदा तय करेगा मेरी तकदीर। तो जनता से जीतेंगे जितेंद्र अवार्ड, मायने नहीं रखते नगर सेवक। जनता से जीतेंगे नहीं, जनता जीताएगी, जनता जीताएगी। चौथी बार, 3 साल आपने विकास किया, 15 साल राज किया मुमरा शहर के अंदर, विकास तो सब हो गया ऐसा आप बोलते हो, तो आप क्यों चौथी बार? मैं विकास कभी भी खत्म नहीं होता है, अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, विकास खत्म नहीं हुआ, विकास होता ही रहता है। नया रास्ता बनेगा, इधर से बनेगा, उधर से बनेगा, इधर से बनेगा, तो डेवलपमेंट अपने अपने जगह पे होती रहती है। डेवलपमेंट का अहम मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट, शिक्षण, एजुकेशन। अगर मुमरा शहर के अंदर जितेंद्र अवार्ड शिक्षण के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे। देखो आने वाले दिनों में इधर CBSE स्कूल आएगी, इधर कॉलेज आएगा, इधर स्लॉटर हाउस आएगा, इधर शादी खाना आएगा, इधर टेक्निकल स्कूल आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। सियासत करने वाले को जो बोलना है बोलते, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। और कुछ पूछने का है तो पूछ दो, स्पेशल रहेगा तो। तो क्या है, लोग यही बोलते कि पिछले चुनाव में भी आपने यही सब कहा था, आप यही बात फिर दोहरा रहे हैं, यही जो आपने मुद्दे गिनाए यही चीज। पिछले चुनाव में रास्ता था क्या? नहीं, पिछले चुनाव में था ना, पिछले चुनाव में रास्ता था क्या? काम तो उसका शुरू था ना, काम शुरू था ना, रास्ता। अरे काम तो ऐसे वोट चलते रहते हैं, खत्म होते तब होता है ना। पिछले चुनाव में हॉस्पिटल था क्या? एक अहम इशू है कब्रस्तान को लेकर, उसको मिट्टी की भरनी को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है शहर में कि आप काम करने जा रहे हैं तो नजीब मुल्ला की तरफ से रोक दिया जा रहा है, वो काम करने जा रहे हैं तो आप रोक दे रहे हैं। मैं किसी का काम रोकता नहीं हूँ, रोकने का काम मेरा नहीं, कब्रस्तान मैंने लाया इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ, मैं किसी के काम पे जाता नहीं। मैं कभी कब्रबुड़ी के कब्रस्तान के ऊपर बात क्या काम करते हैं? ये देखो ये आवाम है, क्या बोली अभी? क्या अम्मा बोल दो, बोली ना अभी, मैं उसको सुना, उसने मेरा अच्छा बच्चा है, कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करता है, सब अच्छे। ये माँ